इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, रात बड़ी मुश्किल निकली, लेकिन आज सुबह से सूर्योदय किसका होगा, कौन इस सिंहासन पर बैठेगा, किसके कितने विधायक विधानसभा तक पहुंचेंगे, यह तय कर होगा आज ही। लेकिन सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस के वो दिग्गज, वो चेहरे बता देते हैं जिन्होंने पूरा टाइम ताकत झोंक दी थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार डटे रहे थे अपने प्रत्याशियों को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन योगेश जी डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे साथ और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए विजेंद्र, खास तौर पर ये सभी चेहरे, इनकी एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे चुनाव के अंदर इनके भाग्य का निर्णय भी सामने होगा कि अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, क्या वसुंधरा राजे सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बड़ा काफी सवाल है जो तैर रहे हैं। ठीक है पूनम, एक बार सबके नाम पढ़ देते हैं जो हम कह रहे हैं कि दिग्गजों पर नजर है। अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, नरेंद्र बुडानी, और यहां से शुरू करूं तो विश्वेंद्र सिंह है, प्रमोद जनभाया है, बीडी कल्ला है, प्रताप सिंह खाचरीवास और शांति धारीवाल। योगी जी, अगर इनमें से दो को चूज करना पड़े जिनकी सीट फंस रही है, या आप इससे ज्यादा चूज करेंगे? देखिए दो से ज्यादा है, सीट फंस रही है डॉक्टर सीपी जोशी की, विधानसभा के अध्यक्ष है, सीट फंस रही है गोविंद सिंह डोटासरा की जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, सुभाष मेहरिया से उनका मुकाबला है, सीट फंस रही है डॉक्टर बी डी कल्ला की, उस सीट का मिजाज भी ऐसा ही है कि वो पूरा चुनाव टफ है, सीट फंस रही है प्रताप सिंह खाचरियावास की सिविल लाइन से, और सीट फंस रही है विश्वेंद्र सिंह और प्रमोद जैन भाया की भी, दोनों ही मुकाबले में। अभी कह रहे हैं कि ज़्यादातर दिग्गजों के ऊपर हार और जीत की तलवार लगी है, ज़्यादातर बहुत सेफ अगर हम देखें इन तस्वीरों में तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट को मैं सबसे ज़्यादा सेफ मानता हूँ, और नरेंद्र मुडालिया ने भी बहुत ही कड़ी टक्कर राजेंद्र राठौड़ को दी है। यानी कि योगेश जी माने कि अपनों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, यानी कि सीटों पर इतना ज्यादा या टिकटों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये बात सही है, कुछ जगहों पर सीटें चेंज हो सकती थी और कुछ सीटों पर यह हो सकता था कि अब जैसे राजेंद्र राठौड़ तारानगर गए चूरू से, तो वो गए तो थे कि उनका मुकाबला बहुत आसानी से वो उस सीट को जीत लेंगे, लेकिन वो वहां जाके फंस गए, इतना बुरी तरह फंसे कि बाहर समय नहीं दे पाए। ठीक है बीजेपी का रुख कर लेते हैं, पूनम की बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज इस बार मैदान में हैं, अगर देखते हैं तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, सतीश पूनिया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, नरपत सिंह राजभी, सुभाष मेहरिया, बाबा बालकनाथ और डॉक्टर ज्योति मिर्दा। योगेश, इसमें भी तमाम ऐसे चेहरे जिनको तरजीह इस बार दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसमें किसका पेच फंस रहा है? इसमें वसुंधरा राजे को मैं बहुत सबसे ज्यादा सेफ मानता हूँ, वो चुनाव बहुत आसानी से निकाल लेंगी ऐसा मेरा मानना है, और इसमें जो दिया कुमारी को भी मैं सेफ साइड देता हूं क्योंकि एज देता हूं उनको भी, और लेकिन एक बात और है विजेंद्र की लिटमस टेस्ट भी है, जो सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, उनका लिटमस टेस्ट भी आज हो जाएगा, उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। मोदी लहर में जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। हाँ वो मोदी लहर में जीते थे, उनमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, ये नाम बाबा बालकनाथ और नाम है दिग्गजों के, कुछ और नाम है बीजेपी के, जरा स्लाइड कीजिए उसको, बाकी नामों के ऊपर भी रुक करते हैं कि बाकी कौन कौन से नाम हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि बीजेपी से काफी दिग्गज हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। देखिए देवजी पटेल हैं, गोपाल शर्मा, शैलेश सिंह, श्रीचंद कृपलानी, बहादुर सिंह कोहली, गजेंद्र सिंह खिमसर, संतोष अहलावत, भजनलाल शर्मा, भागीरथ चौधरी और कालीचरण सराफ, इनमें से जरा बताइए किस किस इनमें भी एक बात है, देवजी पटेल बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, वो सांसद हैं और बागियों के कारण ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो चुकी है, किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी दिक्कत है, सवाईमाधोपुर में वहाँ आशा मीणा कितने वोट ले जाती है उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, गोपाल शर्मा का पहला चुनाव है, शैलेश सिंह का दूसरा चुनाव है, कृपलानी का लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं वो, संतोष अहलावत फिर से उनको मैदान में उतारा गया है इस बार, लेकिन टफेस्ट है उनका भी मुकाबला, भजनलाल शर्मा का पहला चुनाव है, बहादुर सिंह कोहली पहले सांसद रह चुके हैं विजेंद्र और इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ ही गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावर से वो एक कड़े मुकाबले में है, वहाँ पर कालीचरण सराफ का पुराना अनुभव कितना काम आएगा मालवीय नगर में और क्या फिर से रिपीट करेंगे वो, और अच्छा, पूरे से कोई एक सेफ सीट बताइए जो सेफ आसानी से जीत रहे हैं इनमें से, मुझे लगता है सभी मुकाबले में, ठीक है इनमें से मुझे लगता है सभी मुकाबले में जी, और ऐसा कह नहीं सकते किसी एक के लिए भी, ठीक है।
तो चलिए अन्य पार्टियों की भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने किन किन मैदान में उतारा है। हनुमान बेनीवाल है, राजेंद्र गुड़ा है, यूनुस खान है, वीरेंद्र बेनीवाल है, आलोक बेनीवाल है, अमरा राम, बलवान पूनिया, कैलाश मेघवाल, डॉक्टर रोहिताश शर्मा, खिलाड़ी लाल बैरवा, इनमें से तो खुद है जो कि निर्दलीय मैदान में उतर आए। हाँ पूनम बिल्कुल, और हनुमान बेनीवाल की साख दाव पर है, उनकी पूरी पार्टी में चुनाव लड़ा RLP ने, 17 या 20 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा की साख दाव पर है, लाल डायरी का बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाकर सनसनी फैला दी थी, और ये मुद्दा पूनम पूरे प्रधानमंत्री तक ने इसको बहुत रेज किया। अभी जिस साख की बात करें तो मुझे लग रहा है इन सबकी साख दाव पर है, इन सबकी साख दाव पर है। मुझे खिलाड़ी लाल बैरवा के बारे में जो मेरे पास लेटेस्ट जानकारी वो है, ये है कि उन्होंने बाद में इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से कह सकते हैं सरेंडर कर दिया था, और सरेंडर किसके पक्ष में किया ये तय नहीं है, लेकिन वो मैदान से एक तरह से हट गए थे वो, क्योंकि अब नाम तो वापस ले नहीं सकते थे। संदेश दिया होगा ना कि अब किधर जाना है, वोटर्स को संदेश उन्होंने दे दिया, लेकिन नाम वापस ले नहीं सकते थे, समय निकल गया था, लेकिन मैदान से हट गए थे, सक्रियता उन्होंने खत्म कर दी जी। ठीक है पूनम, इस लिस्ट में और भी बहुत से नाम है, क्योंकि निर्दलीय और अदर राजस्थान की सियासत को हमेशा से गर्माते आए, तो जरा देखिए और दिग्गज पार्टियों को टेंशन भी देते हैं, और कहते हैं ना कि संजीवनी का काम भी करते हैं अगर जीत जाए तो। बलजीत यादव है, राजकुमार रोत, मनोज न्यागली, जीवाराम चौधरी, बंशीधर बाजिया, हबीबुर रहमान, श्री गोपाल भाईती, दीपेंद्र कंवर, राजेंद्र भामू और सुरेश दाग, इनमें से सबकी कोई ना कोई पार्टी से पृष्ठभूमि है, और खुद अपनी ही पार्टियों के लिए मुसीबत भी खड़ी करते हुए नजर आए। इनमें से जरा बताइए विनिंग कैंडिडेट आपको कौन कौन? देखिए बलजीत यादव टक्कर में है, बहरोल में डॉक्टर जसवंत से मुकाबला, राजकुमार रोत इस बार BAP से है, BTP छोड़ चुके हैं और पहली बार विधायक बने थे इस विधानसभा में, मनोज नांगली पहले विधायक रह चुके हैं BSP से, इस बार भी वो टक्कर में है राजगढ़ सादुलपुर, जीवाराम चौधरी आपको ध्यान नहीं है वसुंधरा राजे ने जो फोन पे बात की है इनसे तब से ये शुभकामनाएं दी, बंशीधर भाजिया इनकी साख दाव पर है, ये भागी होकर लड़े थे BJP के, सुरेश टाक इंडिपेंडेंट MLA और अभी भी मुकाबले में है, और किशनगढ़ से किसी की आपको लग रही है कि कोई आसानी से जीत पा रहे हैं या सब त्रिकोणीय मुकाबले इसमें में मुझे संभावनाएं लगती हैं ज़्यादातर तो दीपेंद्र भिंडर जो वल्लभ नगर है वो बड़े मुकाबले में है और वो उलटफेर कर सकती है, वहाँ पर जीवाराम चौधरी उलटफेर कर सकते हैं सांचौर में, यहाँ पर राजकुमार रोत फिर दोबारा जीत सकते हैं, बलजीत यादव और सुरेश टाक की भी संभावना है। ठीक है रैलियों का रुख करते हैं पूनम, क्योंकि ये हारेंगे जीतेंगे या पार्टी के सदस्य प्रत्याशी हारेंगे जीतेंगे उसमें बड़े नेताओं की रैलियों की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है, तो जरा देखिए रैलियां किसने कब और कहां किस अंदाज में की। 9 नवंबर को उदयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, रोड शो किया। 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। प्रधानमंत्री ने मानो राजस्थान को नाप दिया था। 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में रैली की, आप देखिए 3 अलग अलग संभाग हैं जिसके अंदर रैलियां की गई हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी पूरी कर रहे थे, चाहे नामांकन प्रक्रिया हो या फिर किसी भी प्रत्याशी को टिकट देने की बात हो। 19 नवंबर को तारानगर और झुंझुनू में भी उन्होंने रैली की। प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे के साथ इस चुनाव को लड़ा था। 20 नवंबर को पाली और पीलीभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी। तो राजस्थान कितनी बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की, इसे आप समझ सकते हैं। 20 नवंबर को बीकानेर में भी उन्होंने रोड शो किया था। इसके अलावा आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर के 12 कोटा और करौली में रैली करते हुए नजर आए थे। उन्होंने राजस्थान के लगभग हर हिस्से को छुआ है। राजधानी जयपुर कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि पहली बार ऐतिहासिक रात 21 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में भी रोड शो करते हुए नजर आए थे, वो भी परकोटे में, और ऐसा पहली बार हुआ था। 22 नवंबर को सागवाड़ा और कोटरी में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी, और जिस तरीके से रैली की थी पूनम वो एक अलग अंदाज था। 23 नवंबर को राजसमंद के देवगढ़ में भी रैली करते नजर आए थे मोदी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 122 विधानसभा क्षेत्र कवर किए थे, और योगी जी यहीं से सवाल है, 122 बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं, तो क्या माने कि यहाँ एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी जनता को रिझाते नजर आए और उसमें कामयाब हो सकते हैं? देखिए विजेंद्र, नरेंद्र मोदी की पूरी रैलियां अपने आप में BJP के वहाँ के उम्मीदवारों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है जी। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि उन रैलियों का, खासतौर से रोड शो का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। जयपुर के अंदर भी उनके रोड शो ने कमाल किया था। अब ये वोटों में कितना तब्दील होगा BJP के पक्ष में, ये आज पता लग जाएगा। 8 बजे से फर्स्ट इंडिया बताना शुरू कर देगा। अमित शाह ने भी रैलियां बहुत की, योगी जी एक बार देख लेते हैं किस किस दिग्गज ने कहां कहां रैलियां किया। 7 नवंबर को कुचामन, मकराना, विद्याद, परमसर के अंदर गृहमंत्री अमित शाह रैलियां करते नजर आए थे। 16 नवंबर को देवरी, कुंभलगढ़ और भीम में भी अमित शाह ने रैली की थी।
उन्होंने बराबर की टक्कर दी है प्रधानमंत्री को। 17 नवंबर को विजयनगर नसीराबाद में रैली करते हुए अमित शाह नजर आए थे और उनमें कुछ रोड शो भी है। वहीं अजमेर में अमित शाह का रोड शो रहा और इसलिए कांग्रेस के लिए टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस रोड शो के बाद। हालांकि कमाल की बात यह कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अजमेर उत्तर और दक्षिण को जीतते हुए दिखा रहे हैं। 18 नवंबर को भिलाड़ा और ओसिया जैसलमेर के अंदर गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था, रैली की थी। इसके अलावा 21 नवंबर को किशनगढ़, नीमका थाना, नवलगढ़ में भी रैली करते नजर आए थे अमित शाह। वहीं अगर बात करें 22 नवंबर की तो जैतारण, जालौर, रानीवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की थी, बीजेपी पक्ष में माहौल बनाया। 23 नवंबर को नीबाहेड़ा और नाथद्वारा में रोड शो किया था और ठीक चुनावों के जस्ट पहले ये रोड शो था। और योगेश जी मान के चले कि इसका असर होता भी नजर आएगा क्योंकि 25 विधानसभा क्षेत्र कवर किए। देखिए अमित शाह दूसरे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के, और आपको ध्यान ही राहुल गांधी पर जिस तरह अटैक करते हैं और जिस तरह उनके कनेक्ट होते हैं वो लोगों से, कितना असर होगा ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा डिमांड थी बीजेपी के नेताओं के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में, तो अमित शाह की डिमांड थी, उनको बुलाने का ज़्यादा क्रेज़ ठीक है। योगी जी वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को काउंट कर लें तो 147 सीटें तो दोनों ही कवर कर गए। जेपी नड्डा को भी ज़रा देखते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर रैलियाँ की हैं, क्योंकि ये तीन वो दिग्गज थे जिन्होंने मैक्सिमम पूरे राजस्थान को कवर किया। तो जेपी नड्डा ने कहां कहां रैलियां की, 16 नवंबर को महवा सिकराय के अंदर जेपी नड्डा ने रैली की। इसके अलावा 20 नवंबर को कांकरोली में रैली की गई थी, उदयपुर में रोड शो भी किया था विजय। 21 नवंबर को धोद, फतेहपुर और बीकानेर में रैली करते हुए नजर आए थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा 22 नवंबर को दांता, रामगढ़ और दौसा में भी रैली करते नजर आए थे, हुंकार भरते नजर आए। और ये ट्रिनिटी है और अगर हम इनको जोड़ लें तो 160 से ज्यादा विधानसभा कवर कर चुके थे। अच्छा एक बात और है विजेंद्र कि ये जो रैलियां हुई सबसे ज्यादा वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब प्रचार खत्म हुआ उसके बाद पूरी तरह बीजेपी का टॉप लीडरशिप राजस्थान पर फोकस कर दिया, जिसमें हम योगी भी जोड़ लें, इसमें हम हेमंत विश्वास जोड़ लें, स्मृति ईरानी हो गई, हेमंत विश्वास शर्मा हो गए, काफी दिग्गज हैं वो, तो पूरे तरीके से मानो यहाँ डेरा डालकर बैठ गए थे कि एक एक सीट पर दो दो नेता नजर आ जाएं। लेकिन दिग्गजों का आपने जिक्र किया तो कांग्रेस का जिक्र करते हैं पूनम, राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, राहुल गांधी ने 10 रैलियां की हैं। बिल्कुल 10 रैली की है। 16 नवंबर को तारानगर, नोहर और सादुल शहर में राहुल गांधी रैली करते नजर आए। वहीं 19 नवंबर को बूंदी और दौसा के अंदर राहुल गांधी ने रैली की थी, हुंकार भरी। 21 नवंबर को कुंभलगढ़ और बायतू में भी रैली की थी राहुल गांधी ने। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब परिणाम आएंगे तो आपको समझ में आएगा किसका कितना असर है। 22 नवंबर को राजाखेड़ा, नदबई और गंगापुर सिटी में रैली की। योगी जी कुछ कह रहे हैं विजेंद्र, यहाँ पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट की रैलियों को भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों नेता, खासतौर से अशोक गहलोत, पूरा फेस थे कांग्रेस की, प्रदेश की राजनीति के, चुनाव के चेहरे कांग्रेस के वही रहे। और इस पूरे रैलियों में मुझे लगता है राहुल गांधी ने, प्रियंका ने कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया राजस्थान में, कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप की डिमांड के अनुसार उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया यहाँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बीते 6 महीने में जमीन पर ही हैं और पता नहीं कितनी बार एक विधानसभा को कवर कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में पहला चुनाव था, जरा देखिए 18 नवंबर को भरतपुर में वो रैली करते हुए नजर आए थे, उन्होंने अपने एक अलग अंदाज में बयान दिए थे। 18 नवंबर को तिजारा यानी कि अलवर भी पहुंचे थे रैली करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये सीट महत्वपूर्ण है तिजारा, बालकनाथ यहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। 20 नवंबर को हनुमानगढ़ में रैली करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए थे। वहीं 20 नवंबर को अनूपगढ़ में भी पूनम उन्होंने रैली, और इसलिए यूं समझा जा सकता है कि कड़ी टक्कर दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को मल्लिकार्जुन खड़गे भी। राजधानी जयपुर में खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो यहां पर रखे थे और उन योजनाओं का जिक्र किया था जो अशोक गहलोत ने लागू कर चुके हैं। योगी जी एक लाइन में इसका जवाब दीजिए, क्या खड़गे वाकई में राजस्थान में दलित वोटर्स को निभाने में कामयाब रहे? बहुत ही सही कहा विजेंद्र कि पूरा फोकस मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित वोटर्स को साधने के को लेकर रहा। खुद मां दलित हैं और राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दलित जनसंख्या पूरे चुनाव को प्रभावित करती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को एक चौपर देकर पूरे स्टेट में रवाना कर दिया था, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में बीजेपी के मुश्किल से गिनती के नेता थे जिनको चौपर मिला था पूरे इलेक्शन में, उनमें से एक अर्जुन मेघवाल थे। काउंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे के राजस्थान में कांग्रेस के दौरे कराए गए। प्रियंका गांधी ने कितनी रैलियां की ये भी जरा एक बार देख लेते हैं। 10 सितंबर को टोंक के निवाई में रैली करती नजर आई थी प्रियंका गांधी। इसके अलावा 17 नवंबर को डूंगरपुर के सागवाड़ा में भी रैली की थी प्रियंका गांधी ने। वहीं 17 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में रैली की थी प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी काफी सीटों पर नजर आई थी, महिला वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करती नजर आई थी। 20 नवंबर को केकड़ी में भी उन्होंने रैली की थी।
20 नवंबर को जहाजपुर में भी उन्होंने रैली की थी और प्रियंका गांधी का जिस तरीके से नजर आया है, 22 नवंबर को शाहपुरा भीलवाड़ा में रैली करती नजर आई प्रियंका गांधी। ठीक है योगेश जी, क्योंकि पूनम, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में योगेश जी पहले बोल चुके हैं, योगेश जी आपको लगता है नहीं कि जिन सीटों पर प्रियंका गांधी आई है वो सचिन पायलट समर्थक विधायक रहे हैं और उस तरीके से उनका रुझान रहा है बहुत ज्यादा प्रियंका, बाकी सीटों पर नजर नहीं है? ये बात सही है। और चुनाव प्रचार या चुनाव की घोषणा से पहले भी प्रियंका गांधी की एक दो सभाएं राजस्थान में करवाई गई थी और प्रियंका गांधी की रैली का मकसद था कि उस रैली में अशोक गहलोत की मौजूदगी भी रही थी, आपको ध्यान है निवाई में जो उन्होंने पहली रैली की थी उसके में सचिन पायलट भी थे और वहीं से एक एकता की कोशिश भी कांग्रेस के अंदर की गई थी कि पायलट और गहलोत एक जगह पर नजर आए। और कुछ गारंटियों की जब शुरुआत की थी तो अशोक गहलोत ने उन्हीं से ही करवाई थी महिलाओं को लेकर, वो पूरे तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे में नहीं बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से मैदान में उतरे थे, उनकी कितनी रैलियां थी, जनसभाएं और कार्यक्रम क्या रहे थे। 30 सभाएं पूरे प्रदेश भर में अशोक गहलोत ने की। गहलोत ने राजस्थान में दो रोड शो भी किए थे और उसका असर क्या दिखाई देगा नहीं देगा ये देखना होगा। सीएम गहलोत ने 50 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लिए, वैसे तो लगातार धुआंधार वो प्रचार प्रसार करते नजर आए थे अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी रुख कर लेते हैं, उन्होंने किस तरीके से सभाएं की। वसुंधरा राजे की राजस्थान में 45 सभाएं हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में। राजे के राजस्थान में कई क्षेत्रों में कार्यक्रम भी हुए हैं, वो भी बेहद खास है क्योंकि 50 विधानसभा क्षेत्र वसुंधरा राजे ने कवर कर लिए। हालांकि योगी जी, अगर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के लिए कहा जाए तो ये मैटर नहीं करता कि कितने विधानसभाओं पर गए, क्योंकि वो लगातार सक्रिय रहते और मुख्यमंत्री तो अलग अलग तरीके से, चाहे महंगाई राहत कैंप हो या बाकी चीजें हो, उन्होंने लगभग 200 विधानसभा सीटों को कवर किया। देखिए केंद्रीय नेताओं की बीजेपी की बात छोड़ दें तो वसुंधरा राजे इकलौती बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक रही राजस्थान में, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही। ये अलग बात है कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप ने उनको कितनी जगह भेजा और कितनी जगह मैडम खुद इंटरेस्टेड रही जाने में, लेकिन जो उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार थे, उनके इलाकों में वसुंधरा राजे गई और वहाँ पर उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो माहौल बीजेपी का बनाने का काम भी किया है। और ये कहा जा सकता है कि हाड़ौती तो उनका क्षेत्र है ही, लेकिन हाड़ौती के बाहर वो बाड़मेर तक प्रचार करके आई हैं और तमाम राजस्थान के, ये कहा जा सकता है कि हर जिले को छूने का उन्होंने प्रयास किया। और उनके जो खास प्रत्याशी थे, यानी यूं कहें कि उनके जो समर्थक विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक, उनकी जगह पर उनकी सीट पर पहुंचकर भी प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर वसुंधरा राजे ने नहीं छोड़ी। हालांकि सियासी एनालिसिस लगातार यूं ही जारी रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी रहेगी और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फोर्स इंडिया पर सबसे पहले आप रुझान देखेंगे।